नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल पॉइंट पार्ट 5 में। इससे पहले मैं डिजिटल पॉइंट के 4 वीडियो बना चुका हूँ, ये 5वां पार्ट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 6 वीडियो तो जरूर बनाऊंगा, तो ये उसका 5वां पार्ट है। 4 पॉइंट मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहला था यहाँ तक की प्रॉब्लम के लिए था LI4 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था यहाँ से डायफ्राम तक चेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम के लिए था। दूसरा पॉइंट था ये देखिए पेरिकार्डियम 6, यहाँ पे था पेरिकार्डियम 6 था यहाँ पर। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था वो बताया था स्टमक 36 बताया था, जो पैर में है आपके नी जॉइंट से 4 उंगल नीचे स्टमक 36 था, वो आपके पेल्विस रीजन की जितनी भी प्रॉब्लम है, पेल्विक की जो भी प्रॉब्लम है सबके लिए था। अभी फिर उसके बाद मैंने जो बताया था वो बताया था SP6। ये 4 पॉइंट हो गए, तो अभी 5वें पॉइंट स्टमक 36 जो पॉइंट मैंने बताया डिजिटल पॉइंट, वो पेल्विस के नहीं लिए नहीं है, वो पेट की कोई भी प्रॉब्लम के लिए है, लीवर की, पेट की कोई भी प्रॉब्लम के लिए। पेल्विस के लिए जो है वो SP6 है, बटक के लिए भी SP6 है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 5वें पॉइंट कौन सा है, वो है LU7 यानी कि लंग्स सेवन पॉइंट है, डिजिटल पॉइंट है ये नेक के लिए और अपर बैक के लिए, थेरोसिक रीजन के लिए। ये देखिए आपके नेक के लिए, गर्दन के लिए, पीछे सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम है या फिर अपर पार्ट में बैक में प्रॉब्लम है, इस साइड में शोल्डर में प्रॉब्लम है, शोल्डर ब्लेड में प्रॉब्लम है, ये दोनों शोल्डर ब्लेड यहाँ पर प्रॉब्लम है, या गर्दन के लिए तो स्पेशल है ही है, इन यहाँ के अपर पार्ट के लिए, बैक के अपर पार्ट के लिए, गर्दन से यहाँ तक अपर पार्ट, पीठ में ऊपर की पीठ तक के लिए बहुत ही बढ़िया पॉइंट, डिजिटल पॉइंट है LU7 लंग्स 7। याद कर लीजिएगा, गर्दन दुख रही है, गर्दन में स्टिफनेस हो गई है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई भी नेक की प्रॉब्लम है या अपर बैक की, थोरोसिक रीजन में कुछ प्रॉब्लम है, पीठ की दर्द की कुछ प्रॉब्लम है, तो LU7 का आप यूज़ कीजिएगा। LU7 है कहाँ, कैसे लोकेट करते हैं, जैसे LU7 पे, वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ LU7 पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा लंग्स 7 में भी LU7 के बारे में डिटेल में बताया हुआ। फिर चलिए बात करते हैं कि LU7 है कहाँ। ये आपका दो कुन या दो सुन ये नीचे है आपके रिस्ट जॉइंट से। ये देखिए इस तरह से आपको 3 फिंगर रखना है, उसके बाद में यहाँ पर है, ये देखिए साइड में, ये थोड़ा साइड में रहता है LU पॉइंट, और कुछ लोग इसको यहाँ पर भी मानते हैं कुछ विद्वान। ये देखिए यहाँ पर रेडियल नर्व जो रहती है उसके बाजू में, इस तरह से उसको लाके इस तरह से ढूंढते हैं, ये यहाँ भी मानते हैं, लेकिन ये वाला चाइनीज़ में जो है वो यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर 3 फिंगर के बाद में यहाँ पर, ये एक इस तरह से आपको ढूंढना है, यहाँ पर आपको टेंडरनेस या पेनफुल पॉइंट मिलेगा, वही आपका LU7 है। उसको आपको ये देखिए ऐसे ही साथ में भी आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं, 3 फिंगर रख के, आपके 3 फिंगर यहाँ रखिएगा, और उसके बाद में जो है उसके आसपास 1-2.5 सेंटीमीटर आगे पीछे होगा वहाँ पे, ये थोड़ा साइड में है, ये देखिए थोड़ा साइड में है ये पॉइंट यहाँ पर, ये देखिए। और कुछ मैंने बताया कि कुछ विद्वान इसको रेडियल नर्व के नीचे यहाँ भी ढूंढते हैं, यहाँ भी ट्रीटमेंट करते हैं, सेम इफ़ेक्ट होता है, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। आप यहाँ ढूंढिए TCM में, यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है, और कुछ लोग यहाँ भी मानते हैं इसको, स्पेशली डॉक्टर वॉल वाले लोग यहाँ मानते हैं, ये देखिए यहाँ पर। लेकिन आपके लिए अभी यहीं ध्यान रखिएगा, 3 फिंगर इधर जहाँ आपको टेंडरनेस मिलती है 3 फिंगर के बाद, वो आपका LU7 है। अभी LU7 को आप इस तरह से ट्रीटमेंट देना है, ये देखिए इस तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, इसके अलावा इस तरह से भी प्रेशर दे सकते हैं, और यहाँ पर आप क्लस्टर मैग्नेट भी बांध सकते हैं। ये देखिए इस तरह का क्लस्टर मैग्नेट लिया और आपको यहाँ पर लगा लेना है, ये देखिए LU7 पर। इसके अलावा LU7 पर एक्यूपंक्चर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, LU7 को पंक्चर करने के लिए आपको नीडल लेनी है, इस तरह की एक्यूप्रेशर नीडल लेनी है, उसको आपको पहले स्प्रिट से साफ करना है, ऐसे लेके इससे साफ़ करना है आपका ये जगह, फिर आपको नीडल इंसर्ट कर देनी है। ये देखिए किस तरह से आपको नीडल इंसर्ट करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये नीडल है,
देखिए पेंशन निरली ऐसी रहती है, देखिए ये देखिए कि पेंशन निडल, इसको आपको इस तरह से देखिए, इस तरह से पॉइंट पे रखकर इस तरह से आपको इंसर्ट कर देनी है। ये देखिए इंसर्ट हो गई। इसके बाद इसको आपको इस तरह से स्टिमुलेशन दे सकते हैं, इस तरह से ये देखिए, ऐसे ही इस तरफ भी आप कर सकते हैं एक्यूपंचर नीडल, इस तरह से करिएगा। इसका जैसे मैं फ़ायदा बता ही चुका हूँ, और अन्य फ़ायदे के लिए आप मेरा LU7 और Lung7 वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी देखिएगा, तो आपके लिए ज़रूरी है ये। अगर आप स्टूडेंट हैं एक्यूप्रेशर के और महाराष्ट्र में, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक्यू महाराष्ट्र के जो काउंसिल है उसके सिलेबस में है डिजिटल पॉइंट्स। डिजिटल पॉइंट्स क्या है इसके बारे में आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप ये पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सीरीज़ को देखते रहिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मैं आपके लिए बहुत ढेर सारी जानकारी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपने और अपने चाहने वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।